गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आप लोगों का टू चैप्टर कंप्लीटेड हुआ नहीं हुआ? आर यू सीइंग? हेलो दीपा, आर्यन आवाज जा रही है? नहीं. यस मैम. यस मैम. लेंस आवाज आ रही है? तो दो चैप्टर खत्म हो गया है. हुआ नहीं हुआ तो उसमें से बताओ कहाँ क्या डाउट है. थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे. थर्ड चैप्टर फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. आज फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कहाँ डाउट है जो बाद में ऐड हुए हैं वो शायद फर्स्ट चैप्टर में नहीं होंगे, शायद पता नहीं. तो कहाँ कहाँ डाउट्स है मैम? पारा ओलंपिक एक बार फिर से बता दीजिए. पारा ओलंपिक. यस मैम. अच्छा पारा ओलंपिक आप लोगों का द जानते हो वर्ड पारा ओलंपिक. हम उस दिन बता दिए थे पारा का मतलब क्या है और ओलंपिक्स ओलंपिक से है. पारा का मतलब क्या है? बिसाइड और आलंग आलंग साइड. ठीक है. और ओलंपिक वही ओलंपिक जो हम लोगों का होता है स्टार्ट हुआ था तो वही ओलंपिक ही माना जा रहा है. और गेम स्टार्टेड इन 1960 स्टार्ट हुआ है तो 1960 में स्टार्ट हुआ है. ठीक है. मैम तेज बोलिए, आवाज तेज नहीं आ रहा है. आवाज तेज नहीं आ रहा है. कितना आएगा बेटा, कितना जोर बोलूं? पारा ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ 1960 में. ठीक है. ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ मैम? आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है, साफ नहीं है. यहाँ का कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा, नहीं तो मैं जिसी आवाज से पढ़ाती हूँ उसी आवाज में बोल रही हूँ. बोलो. जो हम लोगों का एंशिएंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? श्रेयंस, आर्यन. यस मैम. बोलो कब स्टार्ट हुआ था? अभी तक 776 बीसी ना. मैम आपका पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है. अरे पे मॉडर्न ओलंपिक 1896. उसी तरह से जो पारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 1960 में. ठीक है मैम आपका पिक्चर नहीं आ रहा है. पिक्चर से मतलब मत रखो, आवाज सुनो सिर्फ. मैं आ रहा है यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गई हूँ. वर्डन ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था 1896 में स्टार्ट हुआ तो पारा ओलंपिक 1960 में स्टार्ट हुआ जब 1960 में समर ओलंपिक हुआ था. ठीक है. उसी टाइम ये स्टार्ट हुआ, ये रोम में हुआ था समर ओलंपिक. इसको भी फर्स्ट 1960 में जो पारा ओलंपिक हुआ वो भी रोम में हुआ.
समझ में आया? यस मैम। मॉडर्न ओलंपिक 1960 में हुआ था रोम में, तो उसी समय उसके बाद ही 1960 में पारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पारा ओलंपिक। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये जो था हमारा जो समर ओलंपिक था, ये 17th समर ओलंपिक था 1960 में और फर्स्ट पारा ओलंपिक। अब क्लियर हो गया, हुआ या नहीं हुआ श्रेयन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो गया ना क्लियर? यस मैम। और पैरालंपिक में, पैरालंपिक किस कौन कौन खेलते हैं? पैरालंपिक्स किसके लिए होता है? पैरालंपिक्स हम लोग खेलेंगे उसमें? नो मैम। मैम डिसेबल पीपल के लिए होता है। डिसेबल जो है पर्सन वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो दो बताई थी इंडियन प्लेयर थे, उनका नाम बताओ। मुरलीकांत, मुरलीकांत पाटकर। पाटकर वो क्या किस में किस इंडियन स्विमर? इंडियन स्विमर। हाँ स्विमर, ओन इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट इन ईयर 1972। हाँ कॉपी एकदम हेल्ड इन जर्मनी। कॉपी देख के बोल दे रहे हो? मैम लगता है कॉपी देख के बोल रहे हैं। कॉपी देख के? अच्छा ठीक, लेकिन याद रखो उसको। और 2060 समर ओलंपिक, 2060 समर ओलंपिक पैरालंपिक में कौन थी लड़की? दीपा मलिक। दीपा मलिक। दीपा मलिक, दीपा मलिक। कहाँ पे हुआ था पैरालंपिक? रियो डी जेनेरियो जर्मनी में। रियो डी जेनेरियो जेनेरियो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी वो शॉट पुटर थी। हाँ सिल्वर मेडलिस्ट। यस मैम। यस मैम। स्विमर जो था गोल्ड मेडलिस्ट और ये हुआ सिल्वर मेडलिस्ट, शॉट पुट मेडल। यस मैम। और बताओ और किसमें? आज हो गया 26, 25, 27, 28, 29 तारीख को देख लेना अवार्ड्स आएगा टीवी पे, ठीक है स्पोर्ट्स चैनल पे आएगा। उसको अवार्ड्स किस किस को मिला है, स्पेशल प्रोग्राम है उस दिन का, तो देख लेना। रिसेंट किसी को मिला? कौन से गेम में? हर गेम में मिलेगा, बहुत सारे गेम्स में है, क्रिकेट है, फुटबॉलर है और तुम्हारा एथलेटिक्स है। मैम इसी 29 तारीख को। इसी 29 तारीख को जो अवार्ड्स है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है मैम, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड किस किस को मिल रहा है वो उस दिन ही मिलेगा, देख ले, देख लेना रिसेंट, ठीक है। yes, और बताओ पैरालंपिक में और क्या डाउट है? और उसका तो सेरेमनी वैसे ही होता है जैसे हमारा ओलंपिक्स गेम्स से होता है, क्लोजिंग सेरेमनी भी वैसे ही होता है, फिर टॉर्च लाइटिंग भी होता है जो आपका मसाल फ्लैग होस्ट होता है। पैरालंपिक मोटो भी होता है? पैरालंपिक मोटो ऐसे नहीं दिया है, पैरालंपिक लोगो है, लोगो का लोगो। हाँ जैसे हमारा ओलंपिक का लोगो रिंग, रिंग है ना, पांच रिंग। यस मैम। फ्लैग में है? यस मैम। उन लोगों का लोगो है, लोगो है थ्री कलर में है, रेड ब्लू और ग्रीन। उसी रिंग जैसा है? ना ना रिंग नहीं है, इसमें रिंग नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है, चांद जैसा। चांद भी नहीं है, टिक जैसा, ठीक है इस तरह से उल्टा, ये नहीं उल्टा, उल्टा टिक, इसी तरह से
तीन है। ठीक, रेड ब्लू ग्रीन और एक इस तरह से, यानी तीन अलग अलग तरह का है। एक यहाँ पर स्टार्ट है, एक आधे से, फिर एक फर्स्ट है रेड, रेड ब्लू और ग्रीन, टिक जैसा ही है। तुम लोग देखे होंगे नाइस या निक में, गैप में अप में नहीं रहता है ऊपर, नाइक हाँ टिक नहीं रहता है, उसी तरह से ये उल्टा है, वो ऐसे टिक रहता है, ये ऐसे नीचे की ओर तीन रहता है। ये है पारा ओलंपिक का लोगो, ठीक है। ओलंपिक का तुम लोग जानते हो फाइव रिंग्स है और इसमें yes, ये है। और ये दो ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक। जिस तरह से ओलंपिक होता है उसी तरह से विंटर पारा ओलंपिक और समर पारा ओलंपिक। जो ओलंपिक हुआ था वो रोम में हुआ था, इसमें पार्टिसिपेंट्स थे 400 एथलीट्स, ठीक है, एंड 23 नेशंस, 23 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसमें पार्टिसिपेट्स जो किए थे बच्चे थे वो थे 400, ठीक है। और बताओ मैम नोट्स कब देंगे? कहाँ, हाँ लड़कियां कहाँ चली गई? किसकी आवाज मैम? यही है दीपा मैम। नोट्स कब देंगी? नोट्स भेज दे रही हूँ, ठीक है, एक दो दिन में भेज रही हूँ नोट्स। यस मैम। दोनों चैप्टर का देंगी ना? और कुछ बताओ मैम। दोनों चैप्टर का नोट्स देंगी ना? हाँ मैम, न्यू सिलेबस से नोट्स देंगे ना? हाँ न्यू सिलेबस नोट्स तो क्वेश्चन के अनुसार होगा ना। तुम्हारा जो है बता दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर जो तुम लोगों का आएगा एग्जाम में 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और 1 to 20 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहेगा। पहला रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा वन वर्ड में उसको आंसर लिखना है, इसको देगा, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और ट्रू और फॉल्स रहेगा, ठीक, ट्रू और फॉल्स के बाद मल्टीपल चॉइस रहेगा। ये हो गया 20 क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा 1 मार्क का, 1 मार्क का 20 क्वेश्चन। फिर उसके बाद तुम लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में मान लो तुम लोगों को पूछा जाएगा व्हाट इज द खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज द फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एम, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें रहेगा 3 मार्क्स का। और जो 5-4 क्वेश्चन लास्ट में रहेगा वो 4 क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों का 5 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे हो गया तुम्हारा 70 मार्क्स। और 30 मार्क्स में तुम लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा, जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा और तुम लोगों का वाइवा, ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डोपिंग क्यों लेते हैं? डोपिंग क्या होता है मैम? वो ड्रग्स होता है मैम, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, ड्रग्स, एनर्जी ड्रिंक। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स?
वो लोग एथलेट लेते हैं क्यों, इम्प्रूव इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, उसका उनका परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए और उनको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ये बहुत हानिकारक है और उसके अलावा इससे जो पकड़ा जाएगा उसको खेल से बाहर कर दिया जाता है, 3 साल के लिए उसको कोई भी पार्टिसिपेट यानी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना दिया जाता है। मैम अगर डिसेबल पीपल ले ड्रग्स तो ना वो लोग तो लेंगे नहीं, वो जो भी लिए जो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इसको यूज करेगा इसका इफेक्ट लगभग 1 मंथ तक रहता है, 1 मंथ कोई किसी किसी का भी 15 डेज का रहता है, लेकिन उसका 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जो लिया होगा उसको टेस्ट में पकड़ा जाएगा, उससे पहले कोई लिया होगा तो पता नहीं चलता है, लेकिन 1 महीना और 15 दिन के अंदर कोई भी लेगा इसको तो टेस्ट होता है, तो पहले ड्रग टेस्ट होता है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद ड्रग टेस्ट, उसमें पकड़ा जाता है, उसका असर जो 1 महीने तक पूरा रहता है। हैवी डोज है उसका, कुछ कुछ था मेरा मैं याद नहीं है उसका नाम, सब भूल गई हूँ। हम जब खेलते थे हमारे साथ बच्चे थे कुछ लेते थे। और बताओ श्रेयांस। यस मैम। शशि लाइन पे हो या नहीं? आशिका मैम वो पैरालंपिक कितने एज तक खेला जाता है? उसमें एज लिमिट ऐसे कुछ नहीं दिया गया है, जिस तरह से ये ओलंपिक होता है उसी तरह से पैरालंपिक में लगभग वही एज होगा आपका 40। और एक आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, एक है वेटरन स्पोर्ट्स, वेटरन एथलेटिक मीट होता है, वेटरन यानी जो तुम लोग जानते हो वेटरन क्या है? नो मैम। कुछ तो आइडिया? कुछ भी नहीं है। जो लोग लगभग 50 इयर्स से अबव है उनका एज, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 50 इयर्स से अबव यानी 100 इयर्स तक एज भी पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं, उनका स्टामिना ऐसे रहेगा तो। बुक में दिया ही नहीं है मैम ये सब। नहीं नहीं ये नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ। एक है वेटरन एथलेटिक मीट होता है, जो एज लिमिट रहता है 50 से अबव रहता है, वो लोग बूढ़े लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, बूढ़े हो या जो बूढ़ी औरत लोग भी, वो लोग भी उनका गेम्स होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका होता है, ऐसे नहीं कि नेशनल और हम लोगों का स्टेट है नेशनल लेवल, उसमें भी सिलेक्शन होके इंटरनेशनल लेवल पे भी ये वेटरन एथलेटिक मीट होता है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और मेडल भी लाए हैं। तुम लोग अभी से एज रह के भी तुम लोग लेजी पर्सन बैठ जाते हो, नहीं खेल पाएंगे, पैर दुख रहा है, ऐसे बोलते हो या नहीं बोलते हो? यस मैम बोलते हैं। 10th के स्टूडेंट्स, 11th अभी हो गया, तुम लोग 10th में थे तो हम देखे नहीं तुम लोगों को, बैठ जाएंगे, नहीं मैम नहीं खेल पाएंगे, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, लेकिन वो 50 से अबव 60, 70, 80, 90 इयर्स के बूढ़े और लोग वो लोग खेलते हैं, उन लोगों का भी मीट होता है और वो लोग अच्छे भी परफॉर्मेंस इंडिया का भी है, अभी उसमें गोल्ड मेडल लाए बहुत सारे में। और बताओ कुछ जानना चाहते हो तो पूछो, जितना पूछना है पूछो, हम बता देंगे। मैम ये जो ओलंपिक है क्या नाम बताइए, वेंट्रम ना, उसमें मैम कौन सा देश सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है? क्या हुआ
मैंने जो ओलंपिक बताई है वेटरन, उस ओलंपिक में मैम कौन सा देश सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है? बहुत सारे देश है बेटा, बहुत सारे, अमेरिका से है, हमारा इंडिया से तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उस तरह का कोई ये नहीं है, आया नहीं है अभी तक, लेकिन बहुत सारे देश है जो बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और तुम लोगों को ये बता दूं, तुम लोगों को पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, 1896 में दो अथेंस में हुआ था ग्रीस फर्स्ट ओलंपिक, तुम लोगों का मॉडर्न ओलंपिक, उसमें कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे 13, ठीक है। और उसमें जो एक्टिविटीज हुआ था, जो एक्टिविटीज यानी जो गेम्स, उसको एक्टिविटीज कहते हैं, वो एक्टिविटीज हुआ था, वो हुआ था ओनली 9 एक्टिविटीज, 9 इवेंट्स पे गेम हुआ था, 9 इवेंट था उसमें, उसमें था मेन एथलेटिक्स था, ठीक है। एथलेटिक्स में जो जो इवेंट्स होता है तुम लोगों को पता है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, तीन तरह का इवेंट्स होता है। उसके बाद स्विमिंग था, जिम्नास्टिक था, रेसलिंग था, हॉर्स राइडिंग था। एथलेटिक में तुम लोग रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग तीन इवेंट हो गया, देन स्विमिंग 4, जिम्नास्टिक 5, रेसलिंग 6 और हॉर्स राइडिंग 7, और दो इवेंट्स कुछ हुआ होगा लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, 9 इवेंट्स टोटल हुआ था। और 1900 में पेरिस में हुआ था, पेरिस के फ्रांस, और इसमें जो कंट्रीज थे वो 22 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, यानी कितना बढ़ गए, लगभग 9 कंट्रीज इसमें बढ़ गए 4 साल में। और इसमें एक्टिविटीज हुआ था 17, और इसी में पहली बार वुमेन्स पार्टिसिपेट किए थे, यानी लेडीज, पहले 96 में जो हुआ था उसमें 1896 में उसमें कोई लेडीज पार्टिसिपेट नहीं किया था, सब मेंस ही पार्टिसिपेट किए थे, और 1900 में उसमें वुमेन पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए, उनको अलाउ किया गया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। यस मैम, यस मैम। और बताओ, और इंडिया जो, और एक बात, वो जो वुमेन पार्टिसिपेट किए थे उसमें पहले इंडिया पार्टिसिपेट किया था, इंडियन वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट किए थे उसमें 1900 में पेरिस फ्रांस में। मैम जो फ्रांस में ओलंपिक हुआ था मैम, उस समय मैम कैश प्राइज था, स्कॉलरशिप कैश प्राइज? नहीं नहीं, उसमें नहीं था, उसमें सिर्फ मेडल मिल रहा था, 3 मेडल, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल मिल रहा था, और वो क्राउन तुम लोगों को पता है ऑलिव, ऑलिव का पत्ते से क्राउन, वही था। और इसमें जो फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेट की थी वुमेन्स 1900 में, फर्स्ट जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, जो फर्स्ट वुमेन थी पार्टिसिपेट, इंडिया पार्टिसिपेट इंडिया से की थी, वो थी नॉर्मैन प्रीत चंद, नॉर्मैन प्रीत चंद, वो जो एंग्लो इंडियन थी और उनका बॉर्न हुआ था कलकत्ता में, और वो हर्डल्स में 2 सिल्वर मेडल ली थी, ठीक है। मैम कौन से स्पोर्ट में? हर्डल्स, एथलेटिक हर्डल्स में जो स्टिक रहता है, एक ये रहता है उसको क्रॉस करके जाते हैं, हाई जंप जैसा, नहीं देखे हो तो स्पोर्ट्स रूम में रखा हुआ है, देखे हो या नहीं? अरे टीवी में भी नहीं देखे हो, एक एक दौड़ने के टाइम में एक एक बीच में रहता है। अच्छा, हम देखे, देखे, याद आ गया, जाते हैं, याद आ गया, याद आया ना, उसी में, उसी में 2 सिल्वर मेडल उसको मिला था हर्डल्स में।
वो पहला वुमेन थी जो रिप्रेजेंट की थी इंडिया को, नॉर्मन क्रिचन जो एंग्लो इंडियन थी और वो बर्न इन कलकत्ता, कलकत्ता में पैदा हुई थी और वो दो गोल्ड सिल्वर मेडल ली थी इसमें हर्डल्स में, ठीक है? यस मैम। मैम स्पेशल ओलंपिक? हाँ स्पेशल ओलंपिक मैम। स्पेशल ओलंपिक क्या है? स्पेशल ओलंपिक बताओ, स्पेशल ओलंपिक तुम लोगों का क्या है? कब स्टार्ट हुआ? 1968 में। द स्पेशल ओलंपिक्स वाज बिगन इन 1968। यस मैम। और इसमें वही डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, उसी उन्हीं का ही ये ओलंपिक हुआ था 1968 में, जो किस लिए किया गया था? मोटिवेटिंग इन फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो डिसेबिलिटीज पर्सन थे उनके लिए। मैम लेकिन कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक में? ना कोई डिफरेंस नहीं है, पैरालंपिक्स जो है वही है स्पेशल ओलंपिक। और बोलो लड़कियां कहाँ चली गई? किसी की आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। कहाँ चले गए तुम लोग? ने कहा है जो पूछना है पूछो, कल अलग टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको, थर्ड चैप्टर। कुछ नहीं है डाउट, कुछ नहीं है पूछने के लिए? मैम पैरालंपिक मैम कितने इयर्स में के बाद होता है? चार साल, जैसे तुम्हारा ओलंपिक है वैसे ही, चार साल में एक बार। 60 में स्टार्ट हुआ, 64 में। मैम हाँ, चाचा नेहरू अवार्ड समझा दीजिएगा। चाचा नेहरू अवार्ड इसमें दिया जाता है सीबीएसई स्पोर्ट्स में, तुम लोगों का? यस मैम। सीबीएसई स्पोर्ट्स में चाचा नेहरू अवार्ड दिया जाता है जो नेशनल और सीबीएसई का एसजीएफआई कॉम्पिटिटर है उन्हीं लोगों को मिलता है। इसमें क्या दिया जाता है बताई थी उस दिन, जोन को हिसाब से खेलना होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन, चार जोनों में से प्लेयर सिलेक्शन होके तुम्हारा नेशनल और एसजीएफआई मैच होता है उसमें जो पार्टिसिपेट करता है उनको ये अवार्ड मिलता है। और इसमें जो रहता है चाचा नेहरू एक मेडल रहता है और 10,000 रुपीज उनका प्राइज बनी रहता है। और ये अवार्ड 2008 में स्टार्ट हुआ जो सीबीएसई का रिकॉर्ड होल्डर है, न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं उन लोगों को भी ये प्राइज मिलता है। नेशनल लेवल कंपटीशन यानी तुम लोगों का सीबीएसई का नेशनल लेवल, पहले क्लस्टर फिर रीजनल देन नेशनल देन एसजीएफआई। समझ में आया? पैरालंपिक एज लिमिट भी रहता है? उस दिन भी बताई थी तुम लोगों को, जो कोई भी बच्चा यानी एक क्लास में फेल हो गया तो उसको इसमें अवार्ड नहीं मिलता है और स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। 500 पर मंथ उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है।
बताई थी ना? यस मैम। यस मैम। तो कुछ भी लिखे नहीं हो कॉपी में ना, थोड़ा सा मैम लिखे। और ये टू कलर मैरून एंड व्हाइट क्या है? मैरून एंड व्हाइट। यस मैम। उस दिन लिखा थी मैरून एंड व्हाइट क्या है? किस में था मैम? सीबीएसई फ्लैग है क्या? हाँ सीबीएसई फ्लैग है, मैरून एंड व्हाइट। वो दो कलर में बना है, फोर डिवाइड हुआ है फोर पार्ट ये से, जो एक फ्लैग को चार भाग में डिवाइड किया गया है और मैरून एंड व्हाइट उसका कलर है। वो तो है, दिया गया है, कोई बोल रहा था बुक में है वो फ्लैग। यस मैम। है ना फ्लैग? यस मैम। अच्छा और बताओ, चाचा नेहरू अवार्ड याद रहा? यस मैम। कोई पूछ रहा था, उसको पूछो कौन था, नाम तो नहीं बताते हो, मुझे कैसे पता चलेगा? चाचा नेहरू अवार्ड्स स्टार्ट हुआ था कब? 2005 किसी किसी में टोटल ही नहीं दिया है, ईयर ही नहीं दिया है। ने 2005 दिया है। अच्छा, जिसका मेजोरिटी ज्यादा है उसी को पढ़ो। 2005। और जो रिकॉर्ड नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं, कंपटीशन में भाग लेते हैं, उनको दिया जाता है। जो कोई 10,000 उनका अमाउंट रहता है, उसके अलावा हर मंथ 500 रुपीज उनका स्कॉलरशिप रहता है चाचा नेहरू अवार्ड पे। और जो स्कॉलरशिप रहता है, जो बच्चा एक क्लास में फेल हो गया, मान लो एट से ही वो काउंट किया जाता है, एट से ट्वेल्थ, एट में या नाइन्थ में फेल हो गया, तो उसको वो जो आपका रहता है मंथली जो मिलता है आपको स्कॉलरशिप, वो बंद हो जाता है। ठीक है। और इसमें वो इंडियन होना जरूरी है, बाहर का कंट्री का कोई भी पर्सन इंडियन हो लेकिन बाहर में रह रहा है वो नहीं होगा। यहीं पे रह रहा है और यहीं पे पढ़ रहा है इंडिया में, तो उसको ये प्रायोरिटी मिलता है। और जो सीबीएसई स्कूल है उन्हीं को दिया जाता है जो अफिलिएटेड है, बिना अफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल को नहीं मिलता है। ठीक है। Yes, और, ma'am. कुछ? Ma'am. और कुछ बताओ, पूछना है तो। उस दिन तुम लोगों बताई थी जो पारा ओलंपिक 1960 में हुआ था रोम में, जो समर ओलंपिक था और जो विंटर ओलंपिक्स था वो था 1976 में स्वीडन में। ये दोनों लिखे थे ना, तुम लोग लिखे नहीं हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लिख दिए थे। था चैप्टर क्या है? फिजिकल फिटनेस ना योगा। योगा फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल है। थर्ड चैप्टर है। यस मैम फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस वेलनेस लाइफ। हां थर्ड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों का बहुत जल्दी भाग रहा है, सर बोल रहे हैं बहुत जल्दी भाग रहा है तुम्हारा मैम। मैंने कहा दो चैप्टर तक खत्म ही हुआ है, छोटा छोटा चैप्टर है। हर चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट। हाँ हो तो गया था ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट खत्म हो गया। थर्ड चैप्टर तुम लोगों का फिजिकल फिटनेस वेलनेस और लाइफस्टाइल।
यस मैम। यस मैम। और ये जो डोप डोप तुम लोगों का आगे है, डोप टेस्ट में जो लोग उनका एक एंटी डोपिंग स्क्वाड है रहते हैं, ठीक है, वो जाके इसको पकड़ते हैं, जो डोप लेते हैं उन लोगों को पकड़ा जाता है। एंटी डोपिंग पुलिस और उनका कुछ रूल्स रहता है कैसे पकड़ा जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड उसका रहता है, अंडर रेस्पेक्ट ऑल द रूल्स जो रहता है उसको वो लोग फॉलो करते हैं, जो पुलिस रहते हैं एंटी डोपिंग स्क्वाड व एंटी डोपिंग पुलिस, और नेशनल ओलंपिक कमिटी इसको लिस्ट बनाता है कौन कौन इसमें रहेगा, और उसके बाद ये जो डोप टेस्ट स्टार्ट होता है, जब एथलीट जाएंगे पहले ही पार्टिसिपेट करने के लिए उनको पहले फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, मेंटल टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको एंटी डोपिंग टेस्ट देते हैं वो लोग, फिर उसके बाद ही वो लोग जाके जहाँ पे उनका रहने के लिए रहा होगा वो जाके वहाँ पहले ही रहेंगे, लेकिन पहले ही इसको टेस्ट होने के बाद ही वो जाके उधर रहेंगे। एंटी डोपिंग टेस्ट पहले होता है। और बताओ In which country were the first Olympics held? Ma'am, Greece, Paris. Ma'am. Greece. इस तरह का क्वेश्चन आएगा तुम लोगों का। मैम रेसलिंग और सुमो रेसलिंग में क्या डिफरेंस है? रेसलिंग और सुमो रेसलिंग में सुमो तो वो चाइनीज होते हैं ना, मोटे मोटे, देखे नहीं हो मैम? चाइनीज या जापानीज होते हैं। हाँ वही जापानीज या चाइनीज जो मोटे मोटे रहते हैं उन लोगों का अलग होता है, तुम लोगों का वेट वेज होता है, जो वो नॉर्मल रेसलिंग जो रहता है उनको वेट वेट के अनुसार उन लोगों का होता है, जैसे 68 केजी का रहते हैं, 90 केजी का रहता है, और 100 एबव भी रहते हैं उन लोगों का अलग होता है, और वो जो सुमो रेसलर है वो अलग रहता है, मोटे मोटे उन लोग उनका रूल्स अलग है और हम लोगों का अलग है। तीन राउंड होता है, तीन राउंड, थ्री बेस्ट ऑफ 3, 5, 7, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3, 5, 7, थ्री राउंड होता है, 5 राउंड होता है और 7 राउंड होता है, उसमें से टाइम देख के जो करता है, मान लो 2 दिन का टाइम दिया हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज है तो वहाँ 3 सेट होगा और टाइम है हाथ में तो 5 या 7 सेट कर सकते हैं, 7 राउंड, बस बक्सी में जैसे 10 राउंड होता है, होता है ना 10 राउंड? यस मैम। और कुछ क्वेश्चन मैम? जो राउंड बोलो मैम, जो राउंड होता है उसका मैम, जो राउंड होता है उसका कोई फिक्स इंटरवल होता है कितने मिनट का होगा? हाँ होता है, 2 मिनट टाइम मिलता है। ओके मैम। अच्छा फर्स्ट राउंड के बाद 2 मिनट, उसमें आप लोग पानी पी लो, जो भी करो।